डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी आज की क्लास में गति के समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अब तक जो हम पिछला टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें हम ग्राफ की मदद से हम किस तरह से त्वरण को निकालते हैं, कैसे दूरी या विस्थापन को निकाल सकते हैं, अब तक हम ये पढ़ चुके हैं। तो अब हम गति के समीकरण पढ़ेंगे, और जो ये समीकरण है ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्हीं समीकरण के बेस पर हमारे पास में कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आते हैं। ये गति के जो समीकरण है वो तीन समीकरण होती है। मैं आपको तीनों समीकरण लिखकर दिखाती हूँ, लेकिन हम उसको पहली समीकरण किस तरह ग्राफ से दर्शाई गई है, किस तरह से उसको हल किया गया, आज हम पहली समीकरण के बारे में ग्राफ से जानेंगे। चलो हम शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। देखिए, जो हमारा पहला समीकरण है, पहला समीकरण है हमारा, वो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जिसमें हमारा दूसरा समीकरण ये है s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर, जिसका संबंध इसमें समय एवं स्थिति से है। S का मतलब होता है कितनी दूरी है, मतलब कितनी दूरी पर वो स्थित है, तो जिसको हम बोल सकते हैं स्थिति। दूसरा जो हमारा है वो है स्थिति एवं समय, इसका जो संबंध है स्थिति और समय से है। और जो तीसरा हमारा है वो है 2as = v² - u²। अब इस वाली का जो इसका जो संबंध है वो हमारा स्थिति एवं वेग से है, स्थिति एवं वेग, स्थिति एवं वेग से है। ये तीन समीकरण है। पहला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जिसको वेग एवं समय के संबंध में बताया गया है। दूसरा हमारा है s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT², जिसको हमें स्थिति एवं समय के संबंध में बताया गया है। 2as इक्वल्स टू v² - u² देखो, अभी तक हमने v, u और t और a के बारे में पढ़ा है, लेकिन s के बारे में नहीं पढ़ा है। तो जो s होगा वो हमें किसको, किसी स्थिति को, जिसको दूरी भी बोल सकते हैं, विस्थापन भी बोल सकते हैं, उसको दिखाएगा। चलो अपना पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं, पहली समीकरण को हम ग्राफ से सॉल्व करते हैं। ये जो पहला समीकरण है ये हमारा वेग एवं समय के संबंध में है, जिसमें पहले में v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी दिया हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं, v जो है हमारा क्या है, अंतिम वेग है, u हमारा प्रारंभिक वेग है, और a हमारा त्वरण होता है, t हमारा समय। तो हम इस वाले समीकरण को ग्राफ की मदद से करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो समीकरण और लिख देती हूँ, क्योंकि हमारे गति के जो है तीन समीकरण हैं। तो हम मैं पहले तीनों समीकरण को लिख देती हूँ, लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो पहला समीकरण ही पढ़ेंगे। दूसरा समीकरण है, हमने पहले समीकरण को ग्राफ से करते हैं। चलो हम ग्राफ बनाते हैं। देखो, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये वाला हमारा कौन सा होता है, ये वाला एक्स एक्सिस होता है, और ये वाला होता है हमारा वाई एक्सिस, और ये हमारा जो केंद्रक है जिसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं, हम इसको 0-0 से डिनोट करते हैं। अब जब हम इस समीकरण को करेंगे तो हमारा, देखो अभी तक हम पढ़ते हुए आए थे कि अगर कोई कार है वो अपनी जगह से चली है, तो उसका जो पहला प्रारंभिक क्या होगा, प्रारंभिक वेग उसका क्या होगा, 0, क्योंकि वो पहले खड़ी हुई थी। तो चलने से पहले वो क्या थी, खड़ी थी, बिल्कुल रेस्ट पर थी, विराम अवस्था में थी। तो हम क्या पढ़ते हुए आए हैं कि वो किस में थी, विराम अवस्था में थी। तो उस टाइम उसकी जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और उसका अंतिम वेग कौन सा होगा, जब तक वो चलेगी, जितनी दूर तक वो जाएगी, तो उसका कितनी आखिरी में कितना उसका वेग था, अब तक हमने ये पढ़ी है। लेकिन जो ये गति का पहला समीकरण है उसमें जो है हमारा प्रारंभिक वेग जो है 0 नहीं होगा, हम उसको 0 से नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसा है कि अगर हम एक क्वेश्चन देते हैं कि कोई कार है, कार की जो पहले स्पीड थी वो 5 मीटर प्रति सेकेंड थी, और बाद में कार की जो स्पीड हो गई वो हो गई 20 मीटर प्रति सेकेंड। देखो, इसमें पहला जो क्या दिया हुआ है, 5, और बाद का क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो इसलिए हम जो समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हम u की वैल्यू 0 नहीं लेकर करेंगे। u की वैल्यू 0 करेंगे तो हमारा जो है समीकरण वो सिद्ध नहीं हो पाएगी। तो हमें समीकरण को सिद्ध करने के लिए उसकी जो वैल्यू है वो 0 नहीं लेनी होगी, हम कुछ ना कुछ अलग वैल्यू लेंगे।
चलो हम ग्राफ से करते हैं इसको। अब देखो ये हमारा केंद्रक है, अब ये यहाँ पर हमारा क्या होता है समय, जिसको हम टी से करते हैं, और ये हमारा क्या होता है वेग। अब देखो यहाँ पर कुछ समय था, यहाँ 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 चार ले लिया मैंने, 1 2 3 4 और 5, इसमें भी मैंने 5 ले लिए, उसमें भी 5 ले लिए। अब देखो हम ये करते हैं कि हमारी जो शुरू में जो है वो कार कहाँ है, यहाँ पर है। कार हमारी कहाँ है, यहाँ पर है। पहले वो यहाँ से शुरू हुई, अगर ये मान लो 1 2 3 है, और वो कहाँ पर जाकर रुकी, यहाँ जाकर रुकी। पहले वो 3 पर थी और जाकर कहाँ रुकी, 5 पर। मतलब पहले वो 3 मीटर प्रति सेकंड से चल रही थी, और बाद में कितने पे गई, 5 मीटर प्रति सेकंड पर। उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, अपने वेग को बढ़ा दिया, चाल को बढ़ा दिया। तो अब देखो हम इसमें यू जो है वो 0 नहीं लेंगे, हमें ये दिया हुआ है। और वो कितने समय में, जब यहाँ पे ये वाला समय था तो यहाँ थी, उसके बाद में जब जैसे जैसे यहाँ पहुँची, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे वो 5 पर पहुँचती है तो अपनी स्पीड को 5 बना देती है, 5 सेकंड के अंदर वो 5 मीटर प्रति सेकंड बना देती है, जिसको हम यहाँ पर बिंदु लगा सकते हैं। देखो अगर ऐसे ऐसे करें तो डॉट डॉट से हम इसको मिला सकते हैं, तो हमें पता लग सकता है कि ये बिंदु यहाँ पर है, कार यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है, और समय कितना है, 5 है। तो मैं इसको भी ज्वाइन कर सकती हूँ, मैंने इसको किससे कर दिया, डॉट से। अब देखो पहले यहाँ पर थी और अब वो वहाँ पर है, तो मैं इसको भी क्या करूँगी, एक डॉट से ज्वाइन कर दूँगी। क्योंकि हम इसको तो देखो हम मैथ में पढ़ते हुए आए हैं कि हम कोई भी जो है अपनी तरफ से किसी भी लाइन को, किसी भी रेखा को जोड़ने के लिए हम उसको डॉट डॉट से ज्वाइन करा सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर 0 से लेके 5 है तो यहाँ पर भी कितना होगा, 0 से 5 ही होगा। यहाँ पर भी कितना होगा, 0 से 5। अगर ये दूरी बराबर है तो ये दूरी भी कितनी होगी, बराबर होगी। अब इसके बाद में देखो पहले कहाँ थी, यहाँ थी, और फिर कहाँ पहुँच गई वो, यहाँ। दोनों के बीच का अंतर यहाँ से पता लगा सकते हैं ना, दोनों के बीच में कितना गैप था, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम विस्थापन भी बोलते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम न्यूनतम न्यूनतम दूरी पता करते हैं, उसको विस्थापन भी बोला जाता है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब इसको नाम लिख देते हैं, मैंने इसको 0 ले लिया, इसको यहाँ पर ए बी सी डी ई, इसकी लेबलिंग कर दी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो जो इतना ये समय है, ये तो हमारा टी हो गया, और ये पूरा क्या है, हमारा वी है। अगर ये इतना वी है तो ये भी क्या होगा, हमारा ये भी क्या होगा, वी होगा। ये टी है तो ये भी हमारा क्या होगा, टी होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना होगा, हमारा यू होगा, क्योंकि 0 से लेके कहाँ पहुँच गई थी, वो 3 पर पहुँच गई। तो ये हमारा ये इतना क्या होगा, यू। अगर इतना यू है तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा यू हो जाएगा। जैसे हम मैथ में पढ़ते हुए आते हैं ना, ये हमारा क्या बन गया, रेक्टेंगल, आयत बन गया, रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं। ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई दोनों क्या होगी, बराबर रहेंगी। और ये वाली साइड दोनों क्या होंगी, बराबर। अगर ये ऊपर वाली टी है तो ये वाली टी है तो ये भी कितना होगा, टी होगा। अगर इतना यू है तो इतना भी क्या होगा, यू। और ये पूरा वी है तो ये वाला पूरा भी क्या होगा, वी होगा। चलो इसको लिख कर बताती हूँ मैं। अब हमने क्या किया, लेट किया है, मान लिया हमने कि हमारे पास में जो दिया हुआ था O से लेके E तक की, O से लेके E तक की वैल्यू तो कितनी थी, V थी। और O से लेके A तक की वैल्यू हमारी कितनी है, U है। और हमारा जो O से लेके C तक, O से लेके C तक हमारा क्या है, T है। हमें इतना पता चल गया है, V, U और T। अब देखो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब हमारे पास में इसकी वैल्यू सी और डी, सी डी की वैल्यू भी कितनी है, अगर हमारे पास ओ और ई की वैल्यू भी है तो हमारी सी डी की वैल्यू भी कितनी होगी, यही होगी, वी होगी। ओ ए की वैल्यू यू है तो ओ सी और बी इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, यू होगी। और सी की वैल्यू अगर टी है तो हमारी ए और बी की वैल्यू भी कितनी होगी, टी होगी।
क्योंकि हमें हमारे पास में एक आयत बना हुआ है, आयत के आमने सामने वाली भुजाएं क्या होते हैं, वो बराबर होती है, इस वजह से। अब देखो इसके बाद में हमें क्या करना है, सिर्फ इनके मान लिखना है, इनकी जो वैल्यू है उसको सिर्फ उसकी जगह पुट करना है, वैल्यू को लिखना है। अब यहाँ पर देखो, अब हमें क्या निकालना है, ये पूरा है और इतना है, और बी ओ डी हमारे पास में एक त्रिभुज है, त्रिभुज है हमारे पास में कौन सा, ए बी डी, ए बी डी हमारे पास में जो त्रिभुज है वो कौन सा है, ए बी डी। अब देखो यहाँ पर बी ओ डी की हमें मान, बी ओ डी का मान हमें नहीं पता, तो बी ओ डी का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास में बी ओ सी ये पूरा है और इतना है, तो अगर ये मान लो हमारे पास में ये पूरी वैल्यू कितनी है, 10 है, और इतनी वैल्यू हमें दे रखी है, ये वैल्यू हमें दे रखी है मान लो 4 है, पूरी 10 है, इतनी 4 है, तो बची हुई कितनी होगी, 6 होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे में से इस छोटे वाले को माइनस कर सकते हैं, मतलब हम क्या कर सकते हैं, सी डी में से किसको माइनस कर सकते हैं, बी सी को, सी डी में से किसको माइनस कर सकते हैं, बी सी को। अब देखो यहाँ पर इसकी मैं वैल्यू पुट कर दूंगी, बी डी यही रहेगा, सी डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, सी और डी, सी डी और डी की वैल्यू वी है, और हमारे पास में बी सी की वैल्यू कितनी है, यू है, हमारे पास में जो बी सी की वैल्यू है वो कितनी है, यू है। अब देखो हम इसमें जो अपनी जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, जैसे त्वरण का सूत्र हमें पता है, त्वरण का सूत्र के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो त्वरण बराबर में क्या होता है, जिसको हम ए भी लिखते हैं, वी माइनस यू बराबर बटे में टी, ये त्वरण का सूत्र होता है, ठीक है। अब ये सूत्र कैसे आएगा वो हम निकालेंगे, अब देखो त्वरण निकालने के लिए वेग में परिवर्तन, ये हम इसकी पहले परिभाषा जो है कर चुके हैं, वेग में परिवर्तन बटे में समय, दिया गया समय, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में टाइम टेकन, दिया गया समय, ये हमारे पास इसका सूत्र है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में समीकरण बन गई है, जैसे हम यहां लिख सकते हैं इसकी जगह वेग में परिवर्तन कितना होगा, वेग में परिवर्तन की वैल्यू देखो, वेग में परिवर्तन क्या होता है, v माइनस u होता है ना, वेग में परिवर्तन, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, बी डी, और अपोन में कितना होता है, समय, समय कौन सा, देखो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन जो है त्वरण का सूत्र होता है, v माइनस यू बटे में t, तो वेग में परिवर्तन की वैल्यू कितनी आई है, v माइनस यू की वैल्यू कितनी है, बी डी है ना, बी डी का मान है v माइनस यू, और समय कितना है, समय जो होगा हमारा वो क्या होगा, समय यहाँ पर है ना ओ सी, जिसको हम ट्राइंगल में ओ सी किसके बराबर है, टी के, और ये किसके बराबर हो सकता है, ए बी के, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका मान लिख देंगे, बी डी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, यहाँ लिख देती हूँ मैं, बी डी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, वी माइनस यू, और समय कितना है, टी, और ये किसके बराबर हो गया, ए के, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बराबर में ए टी, क्योंकि देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। अब देखो जो हमारे पास में सूत्र है वो क्या है, समीकरण जो क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, तो मैं v को तो यही रहने दूंगी। अब यहाँ पर देखो u किसका है, माइनस का, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, और यहाँ पर ए टी पहले से ही है, तो ये हमारी समीकरण क्या हो गई, हमारी समीकरण ये हल हो गई, हमने इसको ग्राफ की मदद से किया है। अब हम इसके बाद में जो हमारी वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको करेंगे।
उसमें दिया हुआ है, पहला प्रश्न है गति के तीन समीकरण लिखिए। तो हमने गति के तीन समीकरण पढ़ लिए हैं, आप लिख सकते हो गति के तीनों समीकरण। उसके बाद गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न कीजिए, मतलब उसको हमें सिद्ध करना है, उत्पन्न करना है, मतलब उसको बनाना है। तो हमने क्या किया, उससे वो समीकरण ग्राफ से हमने क्या कर दी, बना दी। ये वाला जो समीकरण मैंने आपको करके दिखाई है, ये आपको नोटबुक में करनी है। इसके बाद है गति के समीकरण में वी यू एस टी और ए का निरूपित, और ए क्या निरूपित करते हैं, मतलब इनके बारे में बताना है। अब देखो वी क्या निरूपित करता है, वी बताता है हमारा अंतिम वेग, यू बताता है हमारा प्रारंभिक वेग, एस बताता है हमारी स्थिति जिसको दूरी भी बोल सकते हैं, टी बताता है हमारा समय, और ए क्या बताएगा, हमारा कर्ण। अब इसके बाद जो वर्कशीट मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी चलती बस पर ब्रेक लगने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। कभी भी हम बस में सफ़र करेगा, ब्रेक लगने के बाद में हम क्या करेंगे, जैसे ही ब्रेक लगेगा तो हम कहाँ जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे। वो हमें रोकने की कोशिश करेगी, पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेक लगते ही हम क्या जाते हैं, आगे की तरफ जाते हैं। और जब कभी भी आपने देखा होगा, जब बस जो है शुरू स्टार्ट होती है, चलती है, तो हम हमेशा देखो बस आगे की तरफ चलना शुरू करते हैं, तो हम किसकी तरफ चलते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं। तो ये हुआ कि बस जिस भी उसमें जाती है और ब्रेक लगने पर हम क्या करते हैं, उसकी विपरीत दिशा में चले जाते हैं, गति की विपरीत दिशा में। तो हमारे पास में जो गति की विपरीत दिशा में त्वरण दिया हुआ है 6 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, यदि बस ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, जैसे कि वो 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण था और उसने ब्रेक लगाए, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद भी जो बस है उसको रुकने में कितना समय लगा, 2 सेकंड का समय लगा। तो उसका प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए, तो पहले वो कौन सी स्पीड पर थी कि उसको जो रुकने में इतना टाइम लगा। तो हमारे पास में देखो वैल्यू दी हुई है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास में त्वरण ए की वैल्यू दी हुई है 6 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हमें, और समय दिया हुआ है हमारे पास में 2 सेकंड। अब देखो वी और यू, हमें प्रारंभिक वेग तो क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो इसमें ब्रेक लग गया, ब्रेक लगते ही क्या हुआ, रुक गई ना, तो बाद में जो अंतिम वेग होगा वो क्या हो जाएगा, 0। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए इसमें ब्रेक लग जाए, उसमें हमेशा अंतिम वेग 0 ही होता है, क्योंकि वो रुक गई है, ब्रेक आ गया तो क्या हो गया, वो रुक गई है, तो हमारा अंतिम वेग क्या हो गया, 0 हो गया, जिसको 0 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो हमारे पास में एक सूत्र है, अभी जो हम ये पढ़ते हुए आए हैं त्वरण का, इसको A=V - U/T लिखते हैं, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, हम पहली समीकरण, अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण से कर देंगे। समीकरण कौन सी है, V=U+AT, ये दोनों एक ही है, चाहे आप ये करो या ये करो, पर लेकिन कोशिश करो आप समीकरण से हल करो। अब देखो V की वैल्यू कितनी हुई है, 0, U की तो हमें निकालनी है, A की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6, और T की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास में, 2। ये 0 U+6 = 12, 12 मीटर प्रति सेकंड है ये। अब इसके बाद में हम करेंगे, अब देखो U क्या आ जाएगा हमारा, U को मैं यही रहने दूंगी और इस वाली संख्या को मैं इधर ले आऊंगी, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 12 मीटर प्रति सेकंड आया। अब देखो जो हमारा त्वरण था उसमें विपरीत दिशा बता दी, दिशा उसमें बताई हुई है विपरीत, तो हमें एक जो ये वाला जो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें नेगेटिव का साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसने विपरीत बता दी, क्योंकि उल्टी दिशा में जा रहा है, चाल के उल्टी में, तो हमें उल्टी दिशा बताया, तो हमेशा हम उसको क्या करेंगे, नेगेटिव लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव, और ये इधर आया तो क्या बन गया, प्लस का। देखो यहाँ पे माइनस का 12 था, तो इधर आ जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का 12। ये हमारा आंसर आ जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि इसमें विपरीत दिशा दी हुई थी, इसलिए हम माइनस लेकर चले हैं। अगर विपरीत दिशा नहीं दी होती तो हमारा आंसर किस में आता, -12 मीटर प्रति सेकंड आता, लेकिन इसमें हमें विपरीत दिशा दी हुई है, तो इसलिए हमने 6 को किस में लिखा है, -6 से डिनोट किया है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो है समझ आए होंगे आज की वर्कशीट। थैंक यू।